हेलो गाइस, वेलकम टू एमके अथॉरिटी। तो भाई इंडिया में लॉन्च हो गया है नई कंपनी के नए स्मार्टफोन्स। तो भाई ये एक सोपो कंपनी है जिसने लॉन्च कर दिए है दो स्मार्टफोन्स जिसका नाम है फ्लैश X1 और फ्लैश X2। तो भाई ये आ रहे हैं Redmi 9 रेशियो के साथ और ये लॉन्च हो रहे बहुत ही कॉम्पिटेटिव प्राइस 7,000 रुपये से। तो भाई आपको पीछे की तरफ आपको मिलता है 8 मेगापिक्सल का सोनी का IMX219 सेंसर विथ F2.4 एपर्चर LED फ्लैश लाइट के साथ, और सामने की तरफ आपको मिल रहा है 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा सॉफ्ट LED लाइट के साथ। तो भाई ये आ रहा है F2.2 एपर्चर के साथ। तो भाई एक्चुअली X1 का प्राइस है 7,000 रुपये, जो भी फ्लैश X1 है उसका प्राइस है 7,000 रुपये और X2 का साइज है 9,000 रुपये। तो भाई ये आ रहे हैं 3 अलग अलग कलर्स में, कोरल ब्लू, एलियन ब्लैक और सिट्रिन गोल्ड। तो भाई ये आ रहे हैं एक्चुअली Android 7, जो कि एक नॉर्मली चीज है। जो भाई ये आ रहे हैं फिंगरप्रिंट जो आपको मिलता है पीछे की तरफ, और शायद और कंपनी ये क्लेम करती है कि ये फिंगरप्रिंट बहुत ही फास्ट होने वाला है और ये फोन को अनलॉक करने वाला है 0.16 सेकंड्स में। और अगर बात करें स्टोरेज की, तो शायद और दो भी फोन फ्लैश X1 फ्लैश X2 में आपको मिल रहा है 2 GB RAM 16 GB की स्टोरेज और आप एस डी कार्ड लगा सकते हैं 128 GB तक। तो भाई यहाँ पर X1 का फीचर्स निकल आया है, यहाँ पर X1 फ्लैश X1 होने वाला है 5.5 इंच का फुल जस्ट HD IPS डिस्प्ले होने वाला है और ये आपको मिल रहा है 2D कर्व्ड ग्लास स्क्रीन के साथ। तो भाई ये 18:9 एज यूजुअल रेशियो के मिलने वाला है। और अगर हम बात करें प्रोसेसर का, तो भाई ये प्रोसेसर मिलने वाला है 1.3 GHz का क्वाड कोर मीडियाटेक का MT6737। तो भाई होने वाला है 64-bit का प्रोसेसर। तो भाई आपको मिलने वाला है GPU मालिका T720। और हम बात करें बैटरी की, तो भाई इसके आपको मिलना है 3380 mAh की बैटरी। तो भाई और हम बात करें फ्लैश X2 के बारे में, तो भाई फ्लैश X2 में सिर्फ उसका प्रोसेसर ही अलग है। ये आ रहा है आपको 1.5 GHz का वही मीडियाटेक का MT6737T के साथ। भाई ये आ रहा है वो प्रोसेसर, मीडियाटेक का प्रोसेसर, और इसके अंदर आपको बैटरी मिलने वाली है 2500 mAh की बैटरी। तो भाई इन दोनों स्मार्टफोन्स में आपको मिले हैं 4G VoLTE। तो भाई मेरे ओपिनियन से इसके ऊपर क्या बोलूँ, क्योंकि नई कंपनीज बहुत आ रहे हैं और टेनोर ई तो बहुत ही अच्छा कर रहा है, क्योंकि उसका डेब्यू फोन तो बहुत ही बढ़िया था, बहुत ही बढ़िया, यानी उतना अच्छा भी नहीं उतना बुरा भी नहीं था। और अब एक टेनोर जी भी आ रहा है, तो भाई ये देखते हैं कि ये फोन कैसा होगा। अब ये कंपनी, तो भाई ये कंपनी पहले ही स्टार्ट करने वाली है 18:9 रेशियो के बेजल स्मार्टफोन्स। तो भाई देखते हैं कि इंडिया में और आगे कौन कौन से कितने कितने ब्रांड्स आएंगे और क्या ये ब्रांड्स अपने फेवरेट Xiaomi, Samsung, Apple और Motorola को बेच कर पाएगा या नहीं। तो भाई इतनी थी वीडियो देखने के, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो का कंटेंट पसंद आए, तो भाई लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। गुड बाय, जय हिंद। I'm lonely, lonely, sleeping, breathing, mind at night.